दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेव कौम और इस्लाम के ताल्लुकात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले पार्ट में हमने मेव कौम और इस्लाम धर्म के बारे में यहाँ तक बताया था। इसी वजह से बहुत से इतिहासकारों ने हिंदुस्तान में महलब बिन अबी सगरा को पहला इस्लामिक हमलावर बताया है, जिसकी तस्दीक तारीख ए फरिश्ता से होती है। जब महलब बिन अबी सगरा मुल्तान तक आया था तो उसकी मुठभेड़ यहाँ मेद यानी मेव कौम से हुई थी। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं मेव कौम और इस्लाम धर्म के आगे के इतिहास पर। सन 684-85 में खलीफा अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ को सिंध के रास्ते से राजपूताना पर हमला करने के लिए भेजा था, जहां इसकी मैदो यानी मेवों से जबरदस्त लड़ाई हुई, यानी कि मेव कौम का सीधा मुसलमान हमलावरों से मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में मेवों का राजा मानक राय अजमेर और उसका बेटा मारा गया और मेवों की हार हुई। दोस्तों बताया जाता है कि इस लड़ाई के बाद ही मेव कौम का झुकाव इस्लाम की तरफ बढ़ा था। ये भी कहा जाता है कि मेव कौम इसी हमले की वजह से इस्लाम धर्म के नाम से वाकिफ हुई थी। जब सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो कुछ मेद और जाट सिपाही मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध आए थे, क्योंकि वो इस इलाके की सभी जगहों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। दोस्तों इस्लामिक रिवायतों में लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की तरफ निकलने को तैयार हुआ तो वहाँ के कुछ बाशिंदों ने उसके साथ आने के लिए कहा था। उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान में आबाद मेद यानी मेव कबीलों के लड़ाई के तौर तरीकों को हम जानते हैं, इसलिए हमें भी अपने साथ ले चलो। दोस्तों ये वही लोग थे जो इस्लाम के शुरू के दौर में ही अरबी लोगों के साथ इस्लाम में दाखिल हो गए थे और फिर इस्लामिक फौजों में भर्ती हो गए। ऐसा भी माना जाता है कि इन लोगों में से कुछ लोग वो थे जो अरब कौमों के साथ इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनमें कई मेव सहाबा हुए, क्योंकि हिंदुस्तान और अरब के ताल्लुकात पुराने जमाने से ही अच्छे चले आ रहे हैं। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में व्यापार का सिलसिला बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। इन अरबी लोगों की अच्छाई और इस्लाम धर्म के अच्छे उसूलों से मुतासिर होकर मेद कौम के बहुत से लोग मुसलमान हो गए थे। सन 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया था, जहां उसका मुकाबला मेद कौम के साथ हुआ और जबरदस्त लड़ाई हुई, यहाँ के लोग बाद में मोहम्मद बिन कासिम के नेक चलन, अच्छे ख्याल, हिम्मत और बहादुरी को देखकर उसके मददगार बन गए और कुछ मुसलमान हो गए। इसकी एक और वजह ये भी बताई जाती है कि इस कौम के जो लोग पहले ही अरबों की अच्छाइयों और इस्लाम धर्म से मुतासिर होकर मुसलमान हो चुके थे, वो भी इन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने भी इन लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ने का काम किया। कुछ वक्त के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हुकूमत करने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार पूरे जोर शोर से किया था। दोस्तों सन 712 में देवल की फतेह के बाद 400 मुसलमानों की एक बस्ती बसाई गई। उसी वक्त में मोहम्मद बिन कासिम ने मेद यानी मेव कौम से भाईचारा बना के उनके सरदारों और मुखियाओं को इकट्ठा करके उनको इस्लाम धर्म में दाखिल होने की दावत दी, जिसकी वजह से एक गिरोह इस्लाम धर्म स्वीकार करके मुसलमान हो गया। मगर एक मुखिया ने मना कर दिया और उसने कहा कि मैना। दोस्तों उसी दिन से मेव जाति मेव और मैना नाम के दो गुटों में बंट गई। लेकिन इन दोनों गुटों के रिश्ते नाते अकबर बादशाह के वक्त तक चलते रहे। सन 717 में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो उसने हिंदू राजाओं को खत लिखकर मुसलमान होने का पैगाम भेजा तो उनमें से कुछ राजाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। सबसे पहले राजा दाहिर के बेटे जयसिया ने मुसलमान होने का ऐलान किया था। फिर उमर बिन मुस्लिम को सिंध का गवर्नर बनाकर भेजा।
उमर बिन मुस्लिम ने तमाम हिंदू राजाओं को एक खत लिखा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो और मूर्ति पूजा छोड़ दो। इस्लाम कबूल करने पर तुमको तुम्हारी रियासतों का राजा बना देंगे। तुम्हारी खता माफ कर दी जाएगी। तुम्हारे साथ मुसलमानों जैसा ही सलूक किया जाएगा और तुम्हें अपना भाई समझा जाएगा। दोस्तों, इस खत के बाद मुसलमान होने वाले राजाओं में मेद यानी मेव कौम के राजा भी शामिल थे। दोस्तों, सन 738 में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अल मंसूर के खलीफा बनने के बाद उसने अरावली पर्वत तक फतेह हासिल की थी, जो कि मेद कौम का खास गढ़ था जो आज भी है। तारीख तबरी में लिखा है कि मुस्लिम हुकुमरानों ने हिंदुस्तान में सिंध और गंगा नदी के पास का इलाका फतेह किया था। इस पूरे इलाके में मेद कौम ही आबाद थी और ये पूरी कौम मुसलमान हो गई। इसके बाद करीब 300 साल तक मेवात के इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ। दोस्तों, फिर सन 1002 में महमूद गजनवी के सिपा सालार सैयद सालार मसूद गाजी ने इस्लाम के प्रचार का काम शुरू किया। राजपूताना गजेटियर लिखता है कि मेव कौम ने सन 1002 में इस्लाम कबूल किया। इसका असल मतलब ये है कि महमूद गजनवी के साथ जो बुजुर्गाने दीन आए थे, उन्होंने अपना काम सन 1002 में शुरू किया और सबसे पहले इसी मेव जाति ने इस्लाम में शामिल होने का कदम उठाया। इन्हीं तबलीगी प्रचारकों में एक शेख अबू शकूर शामली थे, जो अबू मोहम्मद चिश्ती के कहने पर महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आए थे। दोस्तों, इनकी एक किताब तमहीदुल तहमीद थी, जो सन 1338 में काहिरा तुर्की में छप चुकी थी। फिर महमूद गजनवी ने सन 1018 और 1024-25 में अजमेर को फतेह किया। अजमेर के मेव राजा विशाल देव ने हारने के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और बाकी मेव कौम ने भी अपने राजा की बात मानकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। मगर इस इलाके के लोग सबसे ज्यादा सैयद सालार मसूद गाजी से मुतासिर हुए। मेवात से इनका गहरा लगाव था। दोस्तों, लिखा गया है कि सैयद सालार मसूद गाजी के झंडे की सलामी का रिवाज मेवात में सन 1935 तक कायम रहा था। इनके झंडे को चौपाल में गाड़ दिया जाता था। माह यानी जनवरी के महीने में बुधवार के दिन छोटा झंडा खड़ा होता था और चार दिन बाद इतवार को बड़ा झंडा खड़ा होता था, जिसका मेला मेवात के गाँव नगीना में बहुत जोर शोर से लगता था। इस मेले में मेवात, जट, यांत, दिल्ली, अलवर, भरतपुर और रोहतक तक से बड़े बड़े पहलवान कुश्ती करने आते थे। दोस्तों, ये मेला निशानों के मेले के नाम से मशहूर था। सैयद सालार मसूद गाजी का झंडा मेवात के लिए इतनी अहमियत रखता था कि मेवाती आपके झंडे की कसम भी नहीं खाते थे। सैयद सालार मसूद गाजी सन 1033 में शहीद हो गए और इनकी मजार अवध यानी बहराइच उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया था और करीब 13 बार उसने मेव कौम को मुतासिर किया था। बहरहाल, हम ये कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के वक्त में मेव कौम ने बड़ी तादाद में इस्लाम धर्म कबूल किया था और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट महमूद गजनवी के साथ आए इस्लामिक प्रचारकों को जाता है। दोस्तों, ये मेव कौम और इस्लाम धर्म के ताल्लुकात का दूसरा भाग है। अगले पार्ट में हम आगे के इतिहास को बताएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।